हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 का परसेंटेज चैप्टर यानी यूनिट 12 का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का ए नंबर है दोस्तों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। दोस्तों 3% है, हम कल बताए थे दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें परसेंट लगाए थे, क्योंकि वर्कशीट 1 में इसमें परसेंट हटाना है। तो परसेंट जब भी हटता है ना दोस्तों, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा था 100 होगा दोस्तों, क्योंकि 3 और 100 जो किसी से नहीं कटेगा, इसलिए लोवेस्ट टर्म यही है इसका, है ना। तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट है बी नंबर में, 35%। तो 35 बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। ये कटेगा 5 से, 5 7 जा और 5 2 जा, तो 7/20 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों किससे कटेगा आपको कैसे पता होगा, तो किससे, अगर कैसे पता चला 5 से कटेगा दोस्तों, अब दोनों का LCF निकालेंगे ना, तो वो भी आपको बताएगा कि 5 आएगा LCF। अगला है सी नंबर में, सी नंबर में है 138% इक्वल टू 138/100। तो दोस्तों ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा दोस्तों। तो 2 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 50। और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ चेक कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 138, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, और यहाँ बचेगा 1, इधर कट जाएगा, 8 2 9 जा 18, तो 69 यह होगा आंसर, है ना। अगला बता रहे हैं दोस्तों सी के बाद डी नंबर, यहाँ बता रहा हूँ कितना है, 675%। परसेंट हटाएंगे, 675/100 हो जाएगा, है ना। तो इसमें किससे चलेगा दोस्तों, पहले 2 से, दोस्तों 5 से करेगा, तो 5 2 जा 5 5 4 जा 5 2 जा 10, मतलब 20 बार में चलेगा। इसको 5 बार में जा, तो 5 1 जा 5, इसका यहाँ क्योंकि 6 था, कैरी यहाँ आ जाएगा, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 3 15 17 है, 2 आ जाएगा, तो 25 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। दोस्तों देखिए अब 35/20 है, फिर 5 से कटेगा ये, तो हम लोग का यहाँ लिख लेता हूँ फिर, 135/20, तो 5 से कटेगा फिर, 5 4 जा 20, और यहाँ कितना बनवा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो इतना आंसर आएगा दोस्तों। अगर इतना कटाने में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का SCF निकालिएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, और SCF जो भी आएगा उससे डिवाइड करेंगे, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ई नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, 80% है, तो 80/100, 0 से 0 कट गया दोस्तों, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 4/5 हम लोग का आंसर आ गया। उसके बाद एफ नंबर में है, 150%, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 150/100, 0 से 0 पहले कट गया, 5 2 जा 5 3 जा, तो 3/2 ये आंसर हो गया एफ नंबर का दोस्तों। इसको जो है ना, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। इसको भी कर सकते थे, इसको ये नहीं होगा, ये होगा, 3/2 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 में, क्या बार बचेगा, 1 बार में, तो यहाँ केरी 1 बचेगा। इसको जो है आगे लिखते हैं, ये ऊपर में लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिनोमिनेटर में। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी, दोनों आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, 2 नंबर का है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन टू डेसीमल। दोस्तों अभी जो 1 नंबर बनाया उसमें फ्रैक्शन में ला रहे थे, इसमें डेसीमल में लाना है। तो 0.2% है, हम बताए परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0.2/100 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 2 तो ही है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, 2 ही होगा, लेकिन 2 0 और है, तो यहाँ 2 अंक और घिस के गए इधर, तो हम लोग पहले से 1 अंक था, और 2 0 से और डिवाइड करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 बन गया, यहाँ लगेगा पॉइंट, है ना। तो पॉइंट से पहले 0 भर सी सकते हैं, नहीं, तो इसका आंसर आया 0.002। नेक्स्ट बता रहा हूँ, ए नंबर बताया दोस्तों, बी नंबर में है 5.6%, तो 5.6 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगेगा, 100 दोस्तों। यहाँ पहले से 1 अंक है, तो 56 पहले लिख लेते हैं, हम लोग का पॉइंट यहाँ था, लेकिन 2 अंक हम लोग को, 2 अंक से डिवाइड करना, मतलब 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पॉइंट किसके का, 2 अंक किसके का, तो एक ही अंक है, 1 अंक और लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया, यहाँ पॉइंट था, अब यहाँ आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0.056। उसके बाद सी नंबर बता रहा हूँ,
2.75% है, तो 275 ऐसा था, बाय 100% हटाएंगे तो अब देखिए 275 तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पॉइंट था हम लोग को, देखिए 100 से डिवाइड करना है तो दो अंक इधर घिसके गए, यहाँ पॉइंट था तो एक, फिर नहीं है पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पॉइंट होगा, तो 0. दोस्तों यहाँ पॉइंट से पहले जीरो दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, तो 0.0275, और पॉइंट के बाद इसको इंडिपेंड अलग अलग बोलना पड़ता है। डी नंबर में है 3.8%, तो 3.8/100, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3.8 तो होगा ही, लेकिन यहाँ देखिए दो अंक और है, 100 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पॉइंट था एक तो था यहाँ, तो 0. यहाँ जीरो और भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो 0.038 इसका आंसर होगा, यहाँ फिर से लिख देता 0.038 ये होगा आंसर। अगला है डी के बाद ई नंबर, 1.9% है, तो 1.9/100, तो दोस्तों 19 तो होगा ही, यहाँ पहले लिख लेता हूँ, दो अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ तो हम लोग यहाँ पॉइंट था इसलिए यहाँ एक अंक लगा देते हैं, तो 0. देखिए एक्चुअल में करते क्या है, आप डिवाइड भी करोगे ना, यही होगा, यहाँ पॉइंट था हम लोग को दो अंक इधर खिसकाना था, यहाँ दो अंक लगा रहे हैं, है ना, ऐसा यही कर रहे हैं। अगला बता रहा हूँ, नेक्स्ट है एफ नंबर, 9.5% है, तो 9.5/100, तो यहाँ हो जाएगा 9.5, दोस्तों 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ था तो 1, यहाँ 2, तो इसका मतलब हो गया 0.095 ये आंसर हुआ। थ्री नंबर है दोस्तों, क्या करना है, परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 रखना है, फ्रैक्शन विद लोएस्ट टर्म और यहाँ डेसिमल लिखना है, तो ए नंबर दोस्तों बना हुआ, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको, 5% फ्रैक्शन निकालना है तो हो जाएगा 5/, क्योंकि हम लोग परसेंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 लगेगा, अब इसी को लोएस्ट टर्म बताए, इसको दोनों को कटाना है तो 5 1 = 5, 5 20 = है ना, 25 100 होता है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ डेसिमल जो निकालना है, डेसिमल इससे मत निकालने जाइएगा, इससे बहुत इजी होता है निकालने के लिए, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 1 2 दो संख्या है ना, दो अंक बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ एक ही अंक है तो दो अंक हम लोग बना देते हैं, है ना, तो ये होगा आंसर, दिक्कत ये सारा यहाँ भरा जाएगा, भरा हुआ है दोस्तों, है ना, यहाँ से कि यहाँ से डेसिमल निकालना बहुत ईजी है, इसलिए दोस्तों आप इसको डिवाइड करने जाइएगा तब भी ये आएगा, तो मैं करके दिखा देता हूँ एक टू को, तो देखिए 20 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, है ना, तब भी नहीं चलेगा, तो यहाँ भी 0 बैठाते हैं, अब 0, तो 25 100, दोस्तों देखिए तब भी कट गया, और यहाँ देखिए 0.05 तब भी आ रहा है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट भरेंगे क्योंकि 100 डिवाइड में है, तो अब देखिए बी नंबर में है 20%, यहाँ क्या हो जाएगा 20/100, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 100 रखना आपको, दोस्तों यहाँ कटा के लिखना है, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ और यहाँ फिर कटा के दिखाता हूँ, 0 से 0 कट गया, और यहाँ है ना 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो 1/5 हो गया, और यहाँ जो लिखेंगे ये आपको कटान और रहने जाना है ना, 2 लिख दिए, ये 0 तक कट गया, उसके बाद दोस्तों तब भी यहाँ 10 बचा हुआ है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.2 होगा, है ना, बाद में 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। अगला देखते हैं कितना है, सी नंबर में 46%, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 46/100, दोस्तों ये कटेगा 2 से, है ना, 2 से कटा देते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 46 2 बार में तो 2 और 3, क्योंकि 4 का आधा 2 और 6 का आधा 3, और यहाँ 100 का आधा 50, है ना, और यहाँ जो आएगा दोस्तों 46 भर देते हैं, क्योंकि दो संख्या 100 था तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। डी नंबर है 98% दोस्तों, तो 98/100 यहाँ ये लिखना है, और यहाँ लोएस्ट टर्म लिखना है, दोस्तों ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो 9 का आधा तो होगा नहीं, लेकिन 8 का आधा हो जाएगा, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का आधा दोस्तों ये 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का आधा 4, और इसका केरी जो बच गया यहाँ, क्योंकि 4 2 = 8 ही होता है, 9 है, इसका केरी यहाँ छोटा करके लिख लेते हैं, 18 हो गया, 18 का आधा 9/50 इतना हो गया। अब यहाँ कितना होगा, 98 तो होगा ही, 100 से डिवाइड करेंगे 1 2 तो ऐसा होगा।
उसके बाद है ई नंबर में 17% है, तो 17/100। दोस्तों ये कटेगा नहीं किसी से, तो इसका मतलब लोवेस्ट टर्म भी यही होगा 17/100, और यहाँ हो जाएगा 17। दोस्तों दो जीरो है मतलब 100 से डिवाइड है, तो 12 यहाँ हो जाएगा। समझ में आया होगा, अगला बता रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों फोर नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू फ्रैक्शन इंटू ए लोएस्ट टर्म। दोस्तों ये फ्रैक्शन है, इसको लोएस्ट टर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है ना। तो फ्रैक्शन दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। 3/4% है ना, तो 3/4 दोस्तों परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में 100 होता है ना, तो डिवाइड में 100 होगा। तो इसका दोस्तों 3 ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 3 1 जा 3 और 4 × 100 तो 400। दोस्तों ये किसी से नहीं कटेगा, इसका लोएस्ट टर्म भी यही है, दिक्कत। अगला बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ बी नंबर आप नीचे नीचे उतारिएगा दोस्तों, इसके बाद नीचे नीचे, इसके बाद ये उतारिएगा ऐसे नीचे नीचे। अगला बी नंबर है 16.2/3%। दोस्तों पहले इसका फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, तो ई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ई ऐड करते हैं, तो 16 3 जा 48 + 2 50/3। और दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, 1 यहाँ 100 से डिवाइड होगा, 100 नीचे में जाएगा। दोस्तों 52 जा कटे भी जाएगा है ना, तो ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो 1/6 आंसर होगा इसका। समझ में आया होगा दोस्तों, अगर प्रॉब्लम होता है एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए दोस्तों, रिपीट बता देंगे वीडियो लंबा हो जाता है। 33.1/3% दोस्तों पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 और इसको प्लस करते हैं, 99 + 1 100/3 है, और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा, तो 1/100 कर देते हैं। ये डिवाइड में ही है दोस्तों, आपको लग रहा है मल्टीप्लाई, ये 1/ देते हैं ना, ये डिवाइड ही होता है, तो 100 से 100 कट गया ना, ऊपर नीचे कटता है दोस्तों, तो 1/3 आंसर होगा इसका, सी नंबर का। डी नंबर बता रहा हूँ, 7.1/7%। दोस्तों इसका परसेंट तोड़ने के लिए, ये फ्रैक्शन तोड़ने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49 + 1 50/7 है, और दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगेंगे, तो 52 जा 100, तो ऊपर में कितना है दोस्तों, यहाँ कट गया, 1 1 जा 1, 7 2 जा 14, तो है ना 1/14 आंसर आया। ई नंबर बता रहा हूँ, ई नंबर में कितना है, 11.1/4%। तो 11 4 जा 44 + 1 45/4 है, और दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे। अब दोस्तों ये 5 से कटेगा, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 10 है दोस्तों, तो 5 9 जा 45 5 20 जा है ना, तो 9 1 जा 9 और 4 2 जा 8 तो 80 हो जाएगा, तो 9/80 हो गया आंसर इसका। अगला बता रहा हूँ दोस्तों, एफ नंबर 12.1/2 है, देख लीजिए दोस्तों परसेंट, तो दोस्तों इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24 + 1 तो 25/2। दोस्तों ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ई ऐड करते हैं, फ्रैक्शन तोड़ने के लिए आप जानते होंगे, और दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो बटन में 100 लगाएंगे। अब 25 को 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कट जाएगा, इसका मतलब ऊपर में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8 तो 1/8 हो गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।